न एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ए एक स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मेक एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स विद द कॉर्डिनेट एक्सेस यानी इक्वेसन के दोनों लाइन के एंगल विथ एक्स एक्सेस विथ वाई एक्सेस इक्वल है इक्वल एंगल विथ कॉर्डिनेट एक्सेस देन शो डैट ए इक्वल टू प्लस माइनस बी और भी दूसरा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके शो दैट वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो विल मेक एन एंगल ऑफ द सेम मेजर विद द एक्स एक्सिस एज द अदर लाइन मेक्स विद द वाई एक्सिस यानी पहली लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल इंप्लाइन करती है उतना एंगल सेकेंड लाइन का वाईक्स के साथ में इफ ए इक्वल टू प्लस माइनस बी यहाँ पे हम लोग लेंगे दो लाइन्स एक लाइन ओ ए एंड सेकेंड लाइन ओ बी पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाई ए एक स्क्र प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मेजर्स विद द कॉर्डिनेट एक्सेस तो एक का एंगल यदि अल्फा है तो दूसरा का रहेंगे पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा या फिर एक का एंगल ये अल्फा तो दूसरे का एंगल रहेंगे पाई बाय टू प्लस अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस ये डायग्राम से देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस है ओरिजिन एक्सिस लाइन एल लाइन ओ ए लाइन ओ ए का इंक्लिनेशन है अल्फा लाइन ओ बी का वाई एक्सिस के साथ में एंगल है अल्फा लाइन ओ बी यानी लाइन ओ ए का इंक्लिनेशन अल्फा तो ये होगा गया इंक्िनेशन ओ बी का फाइव माइनस अल्फ़ा लाइन ओ एंड ओ बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड पावाइ माइनस अल्फा विथ एक्स एक्सेस और डायग्राम ऐसे भी रह सकते ये एंगल है अल्फा ये भी एंगल है अल्फा वाई लाइन ओ सेकंड लाइन ओ बी ओ वी का इंटिनेशन वाई एक्सेस साथ में इधर से या इधर से कहीं से भी एक सेक्स से एंगल रहेगा अल्फा तो ये टोटल एंगल हो गए है एंगल ओ बी का इंक्लिनिशन्स दैट इज पाई बाय टू प्लस अल्फा यानी ओ बी का इंक्लिनिशन पाई बाय टू माइनस अल्फा और पाई बाय टू प्लस अल्फा ओ ए ओ ए का इंक्लिनेशन है अल्फा दोनों केस में तो ओ ए का स्लोप होगा गया टेन अल्फा एंड द फर्स्ट स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए इक्वल टू एम वन इक्वल टू टेन अल्फा स्लोप ऑफ द लाइन ओ बी इज एम टू एम टू इक्वल टू टेन पा बाय टू माइनस अल्फा दैट इज कॉट अल्फा और टेन पाए बाय टू प्लस अल्फा यदि सेकेंड आग्राम है तो टेन पाए बाय टू प्लस अल्फा देन एम टू इक्वल टू कॉट अल्फा और माइनस कॉट अल्फा टेन पाए बाय टू प्लस अल्फा माइनस कॉट अल्फा दे फॉर एम वन एम टू एम वन इंटू एम टू इन फर्स्ट केस टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा दैट इज इक्वल टू वन सेकेंड केस में एम वन इंटू एम टू टेन अल्फा इंटू माइनस फॉट अल्फा दैट इज माइनस वन इसका मतलब एम वन इंटू एम टू इट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन लेकिन एम वन और एम टू क्या है एम वन इंटू एम टू प्रोडक्ट ऑफ स्लो ए बाई बी ए बाईल ए बाईल माइनस वन ए प्लस माइनस वन मीन्स ए इक्वल टू प्लस माइनस बी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ये प्रूव करना था लाइन ओ ए और ओ बी ओ ए का इंक्लिनेशन अल्फा ओ बी का पाई बाय टू माइनस अल्फा ओ ए का इंक्लिनेशन अल्फा ओ बी का पाई बाय टू प्लस अल्फा लाइन ओ बी का एंगल विथ वाई एक्सिस अल्फा है तो लाइन ओ बी वाई एक्सिस के राइट right साइड में या लेफ्ट साइड में राइट right साइड में है तो पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा ओ बी का इंक्लिनेशन और राइट साइड में एंगल राइट साइड में ओ right बी right 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 है तो, angle, right तो एंगल रहेगा पाई बाय टू प्लस अल्फा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम्बाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ईच मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो प्लस टू सेक टू अल्फा एंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो यहाँ पे दो लाइन्स लेंगे ओ ए और ओ बी जिनका ज्वाइंट इक्वेशन कम्बाइन इक्वेशन निकाल है दोनों लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन लेट ओ ए और ओ बी दोनों में से कोई भी एक लाइन का स्लोप लेना है एम मान स्लोप ऑफ द लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ वाई को टू एम का ओ ए या ओ बी जिसका स्लोप ले रहे अपन एम इट पासिस इक्वेशन हो गया वाई को टू एम एक्स इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द लाइन एक्स प्लस वाई को टू जीरो वाई टू एम एक्स मेक्स एंगल अल्फा विद द लाइन एक्स प्लस वाई टू जीरो उस स्लोप इज माइनस वन स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए बाय बी एनि एक्स का कोएफिशिएंट बी मीन्स वाई का कोएफिशिएंट माइनस वन अपॉन वन मीन्स माइनस वन कंडीशन कौन सा इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस माइनस वन अपॉन वन प्लस एम इंटू माइनस वन एम प्लस एम माइनस माइनस वन दैट इज एम प्लस वन अपॉन वन प्लस एम इंटू माइनस वन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे स्क्रिंग बोथ साइड्स टेन्थ स्क्र अल्फाइक् वन होल स्क्र अपन डिनोमिनेटर है वन माइनस एम वन माइनस एम होल स्क्र वन में क्रॉस मोटिफ्लिकेशन टेंस एम होल स्क्वेयर मीन्स वन माइनस टू एम प्लस एम स्क्वेर इक्वर टू यहाँ पे वन प्लस एम या एम प्लस वन होल स्क्वेयर दैट इज एम स्क्वेयर प्लस टू एम प्लस वन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस एम टेन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्र टेन अल्फा इक्वल टू एम प्लस वन अब ये तीनों टर्म ट्रांसफर करेंगे पहले दो टर्म्स एम स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस एम स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वन माइनस टू एम टेन अल्फा माइनस टू एम माइनस ट्वाइस एम कॉमन ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्र अल्फा और वन ट्रांसफर तो माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वन से डिवाइड करना है तो एम स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वन इंटू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो से माइनस एन कॉमन निकालेंगे तो माइनस विल बिकम प्लस तो प्लस एम स्क्र प्लस टू इंटू वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वन माइनस टेन्सर अल्फा वन वन प्लस टेन्स कर् अल्फा दैट इज कॉस टू अल्फा और ये कॉस् अल्फा का रिसीप रोकल है यानी सेक टू अल्फा का फॉर्मूला कॉस अल्फा इक्वल टू वन माइनस टेन्स पर अल्फा वन वन प्लस टेन्स पर अल्फा तो एम स्क्र प्लस वाइज सेक टू अल्फा इंटू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो एम टू रखना है वाई बाय एक्स एम इक्व टू वाई बाय एक्स एम यानी वाई स्क्वेर अपन एक्स स्क्वेयर अब एम मीन्स वाई बाय एक्स एक्सक्वायर से मल्टीप्लाई किए तो वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस सेक अल्फा ट्वाइस चेक टू अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर टू जीरो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस सेक टू अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड कम्बाइन इक्वेशन No, सेवेंटी नंबर है शो दैट द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई फोर वाई प्लस फाइव इक्वा टू जीरो एंड द लाइन्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई होल्सक् माइनस थ्री इंटू फोर एक्स माइनस थ्री वाई होल इक्वल टू जीरो फॉर्म द साइड्स ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल ये सेकंड इक्वेशन ओमोजिन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ओमोजिन सिंप्लीफाई करने के बाद में इसके दो लाइन्स हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन और थर्ड लाइन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्व टू जीरो एंगल है ट्राइंगल इक्वल ट्रायंगल ट्रैंगल एंगल है सिक्सटी डिग्री ये सिक्सटी डिग्री ये भी सिक्सटी डिग्री तीनों एंगल कंसेप्ट लेंगे कि लेट यहाँ पे द स्लोप ऑफ द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो इज एम वन एम वन इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर लेट एम बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन दोनों में से कोई भी एक लाइन का स्लोप लेना है एम मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री With the line a 3x plus 5, 3x plus 4y plus 5 equal to 0. And therefore, the angle between the lines having slope m and m1 is 60 degree. And the tan 60 degree equal to mod of m minus m1 upon 1 plus m into m1. m1 value of minus 3 by 4. For tan 60 degree root 3. Mod of m minus minus 3 by 4 upon 1 plus minus 3 by 4. m into minus 3 by 4. फोर से मल्टीप्लाई करना है रूट थ्री इक्वल टू फोर एम प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री एम दादा दोनों साइड का स्क्वायर स्क्यरिंग किया तो थ्री इक्वल टू फोर एम प्लस थ्री होल स्क्र अपॉन फोर माइनस थ्री एम होल स्क्र क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्री इंटू फोर माइनस थ्री एम होल स्क्र इक्वल टू फोर एम प्लस थ्री होल स्क्र थ्री इंटू सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इंटू टू माइनस ट्वेंटी फोर एम प्लस नाइन एम स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटीन एम स्क्वेर फोर एम इंटू थ्री ट्वेल्व एम इंटू टू दैट इज ट्वेंटी फोर एम प्लस थ्री स्क्वेर एंड नाइन योगे फोर्टी एट माइनस सेवेंटी टू एम प्लस ट्वेंटी सेवन एम स्क्वेर इक्वल टू सिक्सटीन एम स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फोर एम प्लस नाइन ट्रांसफर द टर्म्स एलेवन एम स्क्वेर ट्वेंटी सेवन एम स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन एम दैट इज इलेवन एम Minus 72 m minus 24 m minus 96 m plus 48 minus 9 that is plus 39 equal to 0. You get auxiliary equation of two lines and the joint equation is obtained by putting m equal to y by x. So your joint equation ln into y by x whole square plus 96 into y by x plus 39 equal to 0. द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज 11 इंटू वाई बाय एक्स होल स्क्वेयर माइनस नाइन्टी सिक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस थर्टी नाइन इक्वल टू जीरो इलेवन वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन्टी सिक्स वाई बाई एक्स प्लस थर्टी नाइन इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क् थर्टी नाइन एक्स स्क्र माइनस नाइन्टी सिक्स एक्स वाई प्लस एलेवन वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो जॉइंट इक्वेशन इसको माइनस इसको लिखेंगे अपन दिस जॉइंट इक्वेशन कैन बी रिटर्न हो गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न माइनस थर्टी नाइन एक्स स्क्र प्लस नाइन्टी सिक्स एक्स वाई माइनस एलेवन वाई इक्वल टू जीरो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई की क्योंकि इक्वेशन को जो गिवन क्वेश्चन में फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में लाना है ये फॉर्मेट है थ्री एक्स प्लस फोर वाई होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर एक्स माइनस थ्री बाय होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो पहली जो टर्म है पहली टर्म को तो लिखेंगे अपन यहाँ पे थ्री एक्स ए स्क्वायर ए स्क्र थ्री एक्स होल स्क्वायर थ्री एक्स होल स्क्वायर मीनस नाइन एक्स स्क्र यहाँ पे आ गया नाइन एक्स स्क्र यहाँ पे पहली टर्म आएंगे सिक्सटीन एक्स स्क्र इंटू माइनस थ्री इज माइनस फोर्टी एट तो माइनस फोर्टी एट एक्स उसके बाद में सेकंड टर्म सेकेंड टर्म यहाँ पे ट्वेल्व एक्स वाई फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एक्स वाई यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस ट्वेंटी फोर एक्स वाई इंटू माइनस नाइन्टी प्लस सेवेंटी टू एक्स वाई तो ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस सेवेंटी टू एक्स वाई सेकेंड टर्म बाद में यहाँ पे थर्ड टर्म आते सिक्सटीन वाई स्क्वेयर ये सिक्सटीन वाई स्क्वेयर नाइन वाई स्क्वायर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वायर तो भी राइट माइनस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वायर और ये स्टेप यदि मैच करते तो सेकेंड प्रीवियस स्टेप से टैली हो जाती इसमें से पहले नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर बाद में माइनस साइन कॉमन फोर्टी एट एक्स स्क्वायर सेवेंटी टू एक्स वाई का माइनस सेवेंटी टू एक्स वाई माइनस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वर का प्लस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वेर नहीं हो गया नाइन एक्स स्क् प्लस ट्वेंटी फोर एक्स फाइव प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वेयर माइनस थ्री कॉमन सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स फाइव प्लस नाइन वाई स्क्वेर दिस इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर एक्स माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर ये इक्वेशन आ गया है इज द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई टू फोर प्लस फाइव टू जीरो एंड द लाइन्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई स्क्र माइनस थ्री इंटू फोर एक्स माइनस थ्री वाई स्क्म द साइड इक्वेशन को देख के ये स्टेप लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन शो दैट द लाइन्स एक्स स्क् माइनस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्व टू जीरो एंड द लाइन एक्सट्रस टू रूट सिक्स फॉर्म एन इक्लेटर ट्रैगल एंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर ये टाइप का अपन ने एग्जाम्पल शो देट का लिया हुआ है तो वो मेथड से सॉल्व करते आएगा एरिया भी लिया हुआ है एरिया में साइड निकाल लेना है साइड के ऊपर से फिर पेरीमीटर इक्वलैटर ट्रैंगल साइड इज ए तो पेरीमीटर आएगा थ्री टाइम्स ए इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज द स्क्वायर ऑफ़ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन शो दैट ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एट एच क्यूब इक्वल टू सिक्स ए बी एच इसवेशन होमोजीनियस इक्वेशन के दो लाइन के स्लोप में रिलेशन गिवन है इस स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्र द स्लोप ऑफ अदर लाइन यानी एक लाइन का यदि स्लोप लेते हैं एम तो दूसरे लाइन का स्लोप कितना आएगा एम स्क्वायर यह कंडीशन है तो लेट एम बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ए एक्स स्क्वे प्लस टू एच एक्स फायर प्लस बी वाय स्क्र इक्व टू जीरो एंड द फर द स्लप ऑफ अदर लाइन इज एम स्क्वेर द फर एम प्लस एम्स करेने सम ऑफ द स्लोप्स फॉरना माइनस टू एच बी एम इंटू एम स्वे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ए बाय बी एम इंटू एम्स करे एम क्यूब इक्वल टू ए बाय बी एम प्लस एम स्क्र इक्व टू माइनस टू एच बी अब ये दोनों में रिलेशन फॉर्म करना है तो एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आइडेंटिटी कौन से p प्लस क्यू होल क्यूब इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस थ्री पी क्यू इंटू पी प्लस क्यूब सो वी राइट एम प्लस एम स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर होल क्यूब प्लस थ्री एम इंटू एम स्क्वायर इंटू एम प्लस एम क्यूब ये फॉरून पी प्लस क्यू होल क्यूब इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस थोड़ा ना थ्री पी प्लस इंटू पी प्लस क्यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज या पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे एम क्यू एम स्क्र ओल क्यू मीन्स एम क्यूब होल स्क्वायर एम इंटू एम स्क्र मीन्स एम क्यूब अपने पास में एम प्लस एम स्क्र की वैल्यू माइनस टू एच बाई बी एम क्यूब की वैल्यू ए बाई बी एम क्यूब होल्स करें ए बाई बी होल्स करें ए स्क्र बाई बी स्क्वेयर एम प्लस एम दैट इज माइनस टू एच बाई बी सब्सटीट्यूट माइनस एट एच क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू ए बाय बी प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए एच अपॉन बी स्क्वायर बी क्यूब से मल्टीप्लाई करना है बी क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एट एच क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी माइनस सिक्स ए बी एच ट्रांसफर द टर्म्स ए स्क्वयर बी प्लस ए बी स्क्वेर प्लस एट एच क्यूब इक्वल टू सिक्स ए बी एच कंडीशन प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वायन टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्सर इक्वल टू जीरो इज मॉड ऑफ एक्स वन स्क्वेर प्लस फाइव एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्र थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है बट सिंपल एग्जाम्पल सिंपल है लेट एम वन एंड एम टू विद स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ओमोजिनियस इक्वेशन यानी ए एक स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर टू जीरो इक्वेशन के दोनों लाइन्स है पासिंग थ्रो ओरिजिन इक्वेशन तो रहेंगे वाई को टू एम वन एक्स और वाई इक्व टू एम टू एक्स तो इसके ऊपर से पहले निकालेंगे सम ऑफ द स्लोप एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच बाई बी एम वन एम टू एम टू टू ए बाई बी द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्सक्र प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वेर इक्वल टू जीरो आर वाई इक्वल टू एम वन एक्स एंड सेकंड वाई टू एम टू एक्स और एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो सेकंड एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो बाद में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन ऑन द लाइन एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एस एक्स की जगह लिखना है एक्स वन और वाई की जगह वाई वन राइट एल एच एस एम वन एक्स वन माइनस वाई वन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ एक्स का कोट है एम वन तो एम वन होल स्क्वायर प्लस वाई का कोपेशन है माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन ऑन सेकेंड लाइन एम टू एक्स माइनस वाईक्वल टू जीरो एज एम टू एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एम टू स्क्र प्लस माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन दोनों परपेंडुलर का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ लेस ऑफ परपेंडिकुलस इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वेयर प्लस वन इन टू मॉड ऑफ एम टू एक्स वन माइनस वाई वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एम टू स्क्वेयर प्लस वन न्यूमरेटर में ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमरेटर का एम वन एक्स वन इंटू एम टू एक्स वन एम वन एम टू एक्स वन माइनस एम वन एक्स वन वाई वन माइनस एम टू एक्स वन वाई वन माइनस एक्स वन वाई वन कॉमन तो ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू माइनस माइनस प्लस वाई वन दोनों रूट कंबाइन करके मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर इंटू एम टू प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू प्लस वन इन टू वन दैट इज वन एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर मीन्स एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम वन एम टू एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम वन एम टू एम वन एम टू की वैल्यू ए बाई बी एम वन प्लस एम टू की वैल्यू माइनस टू एच बाई बी वैल्यू सब्सटीट्यूट की अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है यहाँ पे एल सी एम आएंगे बी रूट के बाहर है तो बी और ये बी डिनोमिनेट के कैंसल करेंगे यानी हो गया ए एक्स वन स्क्वायर प्लस प्राइस एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर एल सी एम निकाल के रूट सेपरेट करके बी कैंसिल ए स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्र अपॉन रूट बी स्क्र दैट मीन्स बी बी और बी कैंसिल हो गए न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस फोर एच स्क्वायेयर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी होल स्क्र द मॉड ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच टाइस एच एक्स वन वाई वन Plus b y 1 square upon under root of a minus b whole square plus 4 h square.